सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। साइक्लोपम्प सस्पेंशन जो कि इंडिको रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, दो मॉलिक्यूल इसके अंदर डाले गए हैं, डाइसाइक्लोमून 10 mg एंड सीमिट्रिकॉन 40 mg डाला गया है। 57 rupees का ये पूरा सस्पेंशन है जो कि सिरप फॉर्म में रहता है तथा इसको बच्चों को दिया जाता है। तो इसको किन किन केस में दिया जाता है, कब तक इसको डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं और इसको पिलाने से बच्चे को क्या बेनिफिट होगा या क्या साइड इफेक्ट होगा, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आएगा कि साइक्लोपम्प सस्पेंशन किस काम में आता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। साइक्लोपम्प सस्पेंशन जो कि यूज होता है और ट्रीटमेंट करता है एबनॉर्मल पेन का और इरिटेबल बवल सिस्टम का, मतलब जो पेट के अंदर गैस हो जाता है या पेट दर्द हो जाता है और पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो साइक्लोपम्प सस्पेंशन को बच्चे को दिया जाता है जो कि क्या करता है कि रिलीफ देता है सडनली मसल जो पेन होते हैं उससे और स्टोमक के अंदर जो गट हो जाता है जिसके कारण वो पेन होता है मसल वगैरह और पूरा स्टोमक पेन होता है और जिसके कारण ये होता है। तो ये लेने से बॉडी के अंदर जो स्टोमक के अंदर फूड का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा और उससे रिलीफ मिलेगा। तो अतः बवल सिंड्रोम क्या होता है कि इसके अंदर क्रोनिक होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और इन्फ्लामेशन डिसीज रहता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइनल के अंदर रहता है तथा लॉन्ग टर्म के लिए ये मैग्नेसमेंट होता है। तो ये क्या कर देता है कि ब्लीडिंग कर देता है तथा ये डायरिया वगैरह कर देता है, तो इन्हें से ये बवल वगैरह कम हो जाएगा। साइक्लोपम्प सस्पेंशन को अगर आप बच्चे को ज़्यादा पिला रहे हो, उसको नीड नहीं है उससे भी ज़्यादा पिला रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि उल्टी हो सकती है, उसको नोजिया हो सकता है, उसको ड्राइजनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है और उसको भूख वगैरह भी कम लग सकता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है और गैस हो सकता है स्टोमक में। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो बच्चे को हो सकते हैं, तो ये पिलाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर। साइक्लोपम्प सस्पेंशन काम कैसे करता है कि इसके अंदर दो मिक्सचर टू मॉलिक्यूल डाले गए हैं जो कि एक्टिव मेडिसिन है जो कि डाइसाइक्लोमून और जो कि एक एंटी स्प्रोमोमेटिक एजेंट है जो कि सीमिथिकोन जो कि एक एंटी फ्लोमिंग मेडिसिन है जो कि डिसाइक्लोमून जो कि काम करता है और रिलीज करता है जो मसल के अंदर स्टोमक में पेन होता है इंटेस्टाइनल के अंदर, तो वो कम कर देता है और स्टॉप कर देता है सडन जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है जो उसको कम कर देता है और रिलीव करता है एबनॉर्मल पेन वगैरह से, तथा सीमिथिकोन जो कि डिसइंटीग्रेट करता है गैस के बबल को और अलाउ करता है इजी पास आउट को गैस के, तो साथ में ये दोनों अच्छे से काम करते हैं जब पेन वगैरह हो रहा है। तो साइक्लोपम्प ओरल सस्पेंशन का आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।